दिस इज 55A6V कार्डियोइड माइक, और आपको इसी प्रकार के कार्डियोइड माइक रेकमेंड किए जाते हैं जब आप एक स्ट्रीमिंग या फिर वॉइस ओवर के लिए एक माइक ढूंढ रहे होते हो। तो ये माइक करेंटली आपको मार्केट में अराउंड 2500 रुपीज तक मिल जाता है, और आज हम देखेंगे कि ये माइक के जो फीचर्स है, जो बेसिक फीचर्स है, वो क्यों इतने परफेक्ट है। तो इस माइक के बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो साधारण प्लास्टिक से बना हुआ है बट स्टर्डी है। कुछ लोगों को ये फ्लिमजी लग सकता है क्योंकि इससे मूव करने पे थोड़ा विगल होता है कुछ इस तरीके से, बट ऐसा नहीं है कि इसकी बिल्ड क्वालिटी खराब है, बल्कि इसमें जो शॉक माउंट है उस चीज की वजह से ये फ्लिमजी लगता है। और ये जो शॉक माउंट है वो होना एक अच्छी बात है। शॉक माउंट जो होता है ना, वो एनवायरमेंटल वाइब्रेशंस को कम करने का काम करता है। मतलब आजू बाजू में कुछ हिल गया या फिर डेस्क वाइब्रेट हुआ या फिर आपका हाथ इसके स्टैंड पे लग गया, तो ये सारे वाइब्रेशन इस माइक तक नहीं पहुंचेंगे, और ये जो शॉक माउंट है वो इसे काफी हद तक सप्रेस कर देगा। तो अगर हम नॉइस की बात कर ही रहे हैं तो इस पॉप फिल्टर को भी देख लेते हैं। पॉप फिल्टर क्या करता है, जब बोलते टाइम जो हार्श एयर होती है उसे रोकता है। इसकी जो जाली है वो तो मेटल की है, बट इसके जो एजेस है वो प्लास्टिक के बने हुए, और इसमें एक स्माइली बना हुआ है जो कि 55 के लोगो का ही पार्ट है। दोस्तों अगली चीज जो इस माइक के साथ हमें देखने को मिलती है वो है इसका स्टैंड, जो कि बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का है क्योंकि ये पूरी तरह से मेटल का बना हुआ है और थोड़ा भारी भी है। एक्चुअली माइक से ज्यादा ही भारी है। माइक के नीचे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे आपको गेन नॉब दिखेगा। बेसिकली गेन मतलब आप वॉल्यूम से रिलेट कर सकते हो, बट इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मुझे थोड़ी सी वियर्ड लगी, जैसे कि ये वॉल्यूम की मार्किंग। जैसे लगेगा कि जितना ज्यादा वाइड लाइन उतनी ज्यादा वॉल्यूम, राइट, बट ये एकदम उल्टा है। जितना वाइड होता है एक्चुअली उतना वॉल्यूम कम होता है इसमें। और दूसरी चीज ये है कि ये गेन नॉब काफी ज्यादा स्मूथ है। मैंने तो काफी टाइम इसकी वॉल्यूम चेंज कर दी इसे हैंडल करते टाइम, इसलिए आई फील ये थोड़ा टाइट होना चाहिए था कि अपने आप गलती से ये चेंज ना हो। और ऑफ कोर्स इस माइक का सबसे आइकॉनिक फीचर जो है, मतलब जो इसे बहुत सारे माइक से अलग बनाता है और जिस चीज की वजह से ये पॉपुलर है, वो है इसकी RGB, जो कि दिखने में तो काफी कूल लगती है। इसमें कलर ग्रेडियंट्स चलते रहेंगे और जिसे आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है, मतलब ये अपने आप चलते रहेगा, कोई भी कलर ये चेंज करता रहेगा। तो आप सोचोगे कि RGB की क्या ही जरूरत है एक माइक में, मतलब वो तो सिर्फ हमें लुक दे रहा है, बट यहाँ पे एक और छोटा सा एक फीचर भी है जो RGB के साथ आपको देखने को मिलता है। मतलब इस माइक के टॉप पे आपको एक म्यूट बटन देखने को मिलता है, जो कि एक बटन नहीं है, बस एक टच सेंसर है। तो आप जैसे ही उसे टच करते हो ये माइक अपने आप म्यूट हो जाता है और इसका जो रंग है, मतलब इसका जो RGB है, वो बंद हो जाता है। तो इससे आपको समझ में आ रहा है कि ये माइक म्यूट है, मतलब टोटली आप इस RGB को कह सकते हो कि एक बड़ा सा LED इंडिकेटर है, जो कि एक काफी कूल चीज है। इससे आपको आसानी से पता चलेगा कि आपका माइक कब म्यूट है और कब आपको इसे टर्न ऑन करना है स्ट्रीमिंग वगैरह करते टाइम, तो ये बहुत ही लाइफ सेविंग फीचर है। तो चलिए अब बात करते हैं मेन मुद्दे की, जो कि होगा इसका साउंड क्वालिटी। वेल, अगर एक लाइन में मुझे कहना हो तो इसकी साउंड क्वालिटी एवरेज है। आई गेस ये प्राइस रेंज के माइक आपको जितने भी मिलेंगे ना, उसमें सिमिलर ही साउंड क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। तो इससे आपको कब लेना चाहिए, अगर आप स्ट्रीमिंग करते टाइम अपना ईयरफोन वाला माइक यूज कर रहे हो तो उससे तो ये काफी ज्यादा बेटर है। मतलब आप ईयरफोन ले रहे हो उससे कंपेयर में अगर आप एक डेडिकेटेड माइक लेते हो इस तरीके, तो बहुत ही ज्यादा यूजफुल भी हो जाता है और अच्छा क्वालिटी भी आपको देगा। और इस वीडियो के मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो इसी माइक पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, मतलब मैं दोनों ही माइक पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ टेक्निकली, बट मोस्ट ऑफ द चीजें जो मैं कह रहा हूँ वो आपको इसी माइक के थ्रू सुनाई दे रही है। तो सबसे पॉपुलर लो बजट टू मिड रेंज टू हाई रेंज तीन माइक जो आपको यूट्यूब के लिए देखने को मिलती है जनरली, उन्हें हम कंपेयर करेंगे। तो दोस्तों ये तीनों माइक मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। अब मैं तीनों माइक को एक ही लेवल पे रख दे रहा हूँ, और जो भी अब मैं बोलूंगा इन तीनों में से कोई एक माइक की आवाज आपको सुनाई देगी, और जो भी माइक की आवाज आपको सुनाई देगी वो उसका नाम आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। तो देखिए आप थोड़ा थोड़ा नॉइस आपको बाहर सुनाई दे रहा होगा। और दोस्तों हैरानी की बात यह है कि ये जो बोया वाला माइक है वो सिर्फ 800 रुपए का आता है, और अगर मैं ये रोड वाले माइक की बात करूं तो ये आपको अराउंड 20,000 तक पड़ जाता है, और अगर मैं इस 55 वाले माइक की बात करूं तो ये आपको अराउंड 2600 रुपए का देखने को मिल जाता है। तो आप तीनों का ही ऑडियो कंपैरिजन इस समय सुन रहे हैं, तो आप ही इसे जज कर लीजिए कि आपको इन तीनों में से कौन सा ऑडियो क्वालिटी सबसे ज्यादा बेहतर लग रहा है। तो उससे तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका साउंड कैसा है, एक डिसेंट सा साउंड है। आप ऐसे प्रकार के वीडियो बनाने के लिए भी इसे यूज कर सकते हो, और अपने प्राइस के हिसाब से तो काफी बेटर है। बट अगर मैं इससे कंपेयर करूं मतलब बहुत ही हाई एंड माइक्रोफोन से, लाइक ब्लू येटी श्योर वगैरह का, जो कि मतलब प्राइसिंग ही आप देख सकते हो ना कि उतना चीजें आपको 2000 में नहीं मिलेगी। ऑब्वियसली बात है साउंड क्वालिटी में तो कॉम्प्रोमाइज होगा ही, और इसका जो आउटपुट है वो भी USB वाला है, ना ही XLR वाला। बट काम चलाने के लिए, मतलब आप बेसिक यूट्यूब वीडियो स्टार्ट कर रहे हो, स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर रहे हो, तो आपके लिए ये माइक बहुत ही बेटर रहेगा। ऑल्दो ये दोनों माइक जो है वो अलग यूज केसेस के लिए बने हैं, मतलब इसे आप चलते फिरते भी रिकॉर्ड कर सकते हो, बट इसे आपको बैठ के रिकॉर्ड करना है। मतलब ये मोस्टली स्ट्रीमिंग और गेमिंग के लिए ज्यादा बेनिफिशियल प्रोडक्ट है, और मतलब अगर आप वॉइस ओवर रिकॉर्ड करना चाहते हो तो उस चीज़ के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल प्रोडक्ट है। और इसे मार्केट भी एक गेमिंग माइक्रोफोन की तरफ से ही किया गया है, इसके लिए इसमें RGB वगैरह दिया हुआ है। और 55 को इस वायर के जरिए PC में लगा के ही आपको रिकॉर्ड करना पड़ता है, मतलब मोबाइल वगैरह में आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो इजीली। बट दोस्तों इस टाइप के भी माइक के बेनिफिट्स होते हैं, मतलब ये कार्डियोइड टाइप का माइक है, मतलब ये कार्डियोइड पैटर्न में ऑडियो को रिकॉर्ड करता है। तो कार्डियोइड पैटर्न क्या होता है, बेसिकली ये 131 डिग्री, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला, एक्जैक्टली 131 डिग्री तक ही बेटर ऑडियो रिकॉर्ड करता है, और उसके पीछे का जो भी है नॉइस वगैरह वो इसे रिकॉर्ड नहीं करेगा। मतलब मैं यहाँ पे क्लैप दबाऊं
तो आप सुन सकते हो कि कौन से क्लैप की आवाज ज्यादा है, तो आप समझ सकते हो कि कहाँ का पार्ट ये ज्यादा रिकॉर्ड करता है। मतलब अननेसेसरी नॉइज जो यहाँ पे रहेगी इसके पीछे जितनी भी रहेगी 130 डिग्री के इधर, वो आपको उतने अच्छे से सुनाई नहीं देगी। मतलब आपके रूम में अगर बहुत सारा इको है तो इसमें ना पूरा इको कैप्चर हो जाएगा, बट इसमें पीछे के इको नहीं रहेगा, मतलब ज़्यादा इको नहीं होगी आवाज़। और अगर इससे हम और भी कंडेंसर माइक से कंपेयर करें, जैसे कि ब्लू येटी, ये सारे टाइप के जो माइक्स होते हैं, उसमें एक और ऑप्शन होता है कि आप उसका जो पैटर्न है वो चेंज भी कर सकते हो। मतलब ये माइक्स कार्डियोइड, बाई डायरेक्शनल, स्टीरियो, ओमनी डायरेक्शनल, सारे ही टाइप के पैटर्न में रिकॉर्ड कर सकते हैं, और वो आप चेंज भी कर सकते हो अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ की बेनिफिट आपको बहुत मिल जाती है अगर आप महंगे माइक्स लेते हो तो। बट स्टिल अगर आपको यूज़ केस बहुत ही क्लियर है, आप एक स्ट्रीमिंग कर रहे हो, गेमिंग कर रहे हो, या फिर एक वॉइस ओवर कर रहे हो, तो ये माइक आपके लिए बहुत ही सफिशिएंट रहेगा, जैसे कि ये सिर्फ कार्डियोइड में ही रिकॉर्ड करता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने बहुत कुछ सीख लिया माइक से रिलेटेड, तो अब बात करते हैं कि ये पर्टिकुलर माइक आपको लेना चाहिए या फिर नहीं। इसमें थोड़े थोड़े माइनर फ्लॉज भी है, मतलब इसके जो फीचर है वो इसके लिए थोड़े डिसएडवांटेज भी क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका जो ये RGB है, मतलब ये इसका लुक तो बहुत ही अच्छा बना देता है फॉर सम पीपल, बट बहुत लोग को ये डिस्ट्रैक्टिंग भी लग सकता है। और इससे कोई भी ऑफ करने का बटन नहीं है, मतलब ये तो चलता ही रहेगा। अगर आपको इसे ऑफ करना है तो इसे म्यूट करना पड़ेगा, तो म्यूट तो आप करोगे तो माइक क्या ही यूज में है। काश इसमें RGB बंद करने का भी फीचर होता फॉर सम स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, जो RGB उतनी पसंद नहीं करते, जिनके लिए डिस्ट्रैक्टिंग है, तो बहुत ही अच्छा रहता उन लोगों के लिए। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो इसका जो गेन नॉब है वो बहुत ज्यादा स्मूथ है, उसे थोड़ा टाइट होना चाहिए था, बट ओवरऑल ये काफी अच्छा माइक है। ऑडियो क्वालिटी इज ऑल्सो गुड इनफ, और जैसे कि एक कार्डियोइड माइक है तो स्ट्रीमिंग, गेमिंग, वॉइस ओवर, ये सारी चीजों के लिए ये आइडियल रहेगा। अमेजोन पे करेंटली ये 2600 का मिल रहा है, और उस प्राइस पे ये माइक काफी अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। अगर आप इस बजट के आसपास एक माइक देख रहे हो तो आप इसे जरूर कंसीडर कर सकते हो। इसका जो अमेजोन लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।